अगर नॉर्मल सी होती तो आज कुलगाम में एनकाउंटर होता, क्या सुरन कोर्ट में एनकाउंटर होता? होता? हमारे जवान तो शहीद हो रहे हैं, कब तक उनको शहीद करते जाओगे? वो जो उनने 40 आदमियों को सीआरपीएफ के शहीद करवाया यहां पुलवामा के पास, खुद गवर्नर ने कहा कि वो गाड़ी 3 हफ्ते से घूम रही थी और जब वो गाड़ी वहां पे पहुंची बेगुनाह गाड़ियों में शहीद हो गई। और वजीर आजम क्या कर रहे थे? वो एक जंगल में फिल्म बना रहे। और जब सत्यपाल मलिक ने उनसे कहा जनाब ये हमारी गलती है जिसकी वजह से ये शहीद हो गए, तो कहा खबरदार मत को, हमने ये दूसरे मुल्क पर लगाना है। ये हाल है। फिर आप कहते हैं यहां पे अमन है, अगर अमन होता तो मेरे साथ ये लोग इतने होते, इतने सिपाही यहां होते हैं? वो अमन आज जनाब ये अल्लाह का शुक्र करो कि हम लोग चल रहे हैं, मगर जो नफरत ये पैदा कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वहां मुसलमान और हम खतरे में है, पकड़ लेते हैं, दाढ़ी कप लेते हैं और कहते हैं बोलो जय सिया राम। क्या राम इन्हीं का है इस तरह ये बैठे हुए? मैं तो बार बार इनसे कहता हूं तुम गलत हो, तुम लोग नफरत पैदा कर रहे हो, हम सब उसके पास दिए हुए हैं, कौन किस तरफ जा रहा है, किस तरफ पूजा कर रहा है, किस तरफ कर रहा है, इंसान की मर्जी है। ये आजाद मुल्क है, मगर ये आजाद मुल्क नहीं रहेगा।